पिछले कई वर्षों से रासायनिक खादों के इस्तेमाल ने मिट्टी या पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से हमारी खेती काफ़ी प्रभावित हुई है। जैविक अथवा प्राकृतिक खेती इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है और बायोफर्टिलाइज़र या जीवाणु खाद इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बदलते परिवेश में और देश में खान पान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ने के कारण प्राकृतिक और जैविक खेती लोगों के रुझान का एक केंद्र बनती जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है गुणवत्ता युक्त इनपुट्स नहीं मिलते। इसको ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक जीवाणु खाद उत्पादन केंद्र स्थापित किया है और ये व्यावसायिक तरीके से चलाया जाने वाला बड़ा केंद्र है, जो किसानों की कंपनी के साथ मिलके और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी जन सहभागिता के रूप में इसको स्थापित किया है। 1000 से भी ज़्यादा लीटर का प्रोडक्शन पर डे का ये केंद्र है और इसमें एजोटिका, बायोटिका, फोस्फोटिका, राइजोटिका, ट्राइकोडर्मा आदि जीवाणु खाद प्रमुखता से बनाए जाते हैं। उनका वैज्ञानिकों की देखरेख में उसका उत्पादन होता है और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। उनकी पैकिंग से लेकर सीलिंग पैकिंग प्रोडक्शन सारा वैज्ञानिक तरीके से होता है और उसके बाद से ये किसानों की कंपनी जिसके साथ हमने अनुबंध किया है उसके द्वारा न केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा से बाहर के भी बहुत सारे प्रदेशों में हमारा ये जीवाणु खाद बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस खाद के उत्पादन से जुड़ी कंपनी अच्छा खासा लाभ खुद भी कमा रही है और सैकड़ों से भी ज़्यादा ग्रामीण युवाओं को इसने रोज़गार दिया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वैज्ञानिकों को, विश्वविद्यालय के प्रशासन को, ऐसे किसान कंपनी में जुड़े हुए लोगों को, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसको, इसमें रोज़गार पाने वाले युवाओं को और सबसे ज़्यादा उन किसानों को जो इस गुणवत्ता युक्त खाद का उपयोग करके प्राकृतिक खेती अथवा जैविक खेती को अपना रहे हैं और न केवल अपना रहे हैं बल्कि अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और हम इसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि इनपुट की कॉस्ट हमारी घटे और हमारा गुणवत्ता युक्त प्रोडक्शन जो प्राकृतिक और जैविक खेती के रूप में हो रहा है वो अच्छे दामों में बिके और हमारे किसान की आमदनी दुगनी हो, ऐसा प्रयास चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लगातार करता रहेगा। हमारा जो पहला स्टेप है इसमें वो है कल्चर मीडिया बनाना। ये हमारा 1 लीटर मीडिया तैयार है जेनसन मीडिया एजोटिका के लिए। अब हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे। अब ये हमारा जो मीडिया है ऑटोक्लेव हो चुका है, ये हमने इनोकुलम डाल दिया है। तो नेक्स्ट डे फिर हमारी ग्रोथ आ जाती है, ये ट्रबिड हो जाता है ऐसे। फिर हम इस इनोकुलम को डालेंगे हमारे मीडिया में। अब ये ओवरनाइट शेकिंग पे रहेगा, हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो आ जाएगी। ग्रोथ आने के बाद अब हम इसको यूज़ करेंगे और हमने जो इनोकुलम प्रिपेयर किया हुआ है उसको हम डालेंगे इसमें, ताकि इसमें कोई भी कंटेमिनेंट है इसके कॉन्टैक्ट में ना आए और इसमें कंटेमिनेशन ना हो इनिशियल स्टेज पे। बाकी इसमें सारी की सारी प्रोसेस है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी स्टरलाइज कर चुके हैं मीडिया को और मीडिया कंपोनेंट्स को। हमारे वेसल में इनोकुलम डल चुका है, हमारे इसमें मीडिया कंपोनेंट्स और इनोकुलम है। अब हमारी जो मशीन है उसको हम रन करेंगे, जो बायो रिएक्टर्स हैं इसमें सारी कंडीशंस मिलेंगे बैक्टीरिया को, जो टेम्परेचर है, पीएच है, वो सेंसर्स लगे हुए हैं और वो डिटेक्ट करते रहेंगे। ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, फर्मेंटर्स हैं, उनकी हम लाइट है वो ऑन करते हैं। इसमें हम लेवल भी देख लेते हैं हमारे जो मीडिया है कि कितना मीडिया हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमने डिजायर्ड वॉल्यूम प्रिपेयर किया है इतना है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों जगह विजुअल है। अब हमारे पास 3 फर्मेंटर हैं, तीनों को ये कंट्रोल करती है। ये 200 लीटर का फर्मेंटर 1, फर्मेंटर 2, फर्मेंटर 3। अब जैसे हम इसमें एजोटिका बना रहे हैं एजोटिका के लिए, तो वो कल्चर इनोकुलम हम डाल चुके हैं और जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी इसमें कंट्रोल्ड हैं। कंडीशन जैसे हम जो फर्मेंटर है इसका जो मोड है वो हम सेलेक्ट करेंगे और रन मोड में लेना है और कितने हमें RPM है, टेम्परेचर है, pH है, वो सारी की सारी हम इसमें सेटिंग्स करते हैं। हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं,
इसकी जो ऑटोमेटिक जो सेटिंग्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। ये जो रन मोड है इसको हम रन में लगा देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी जो डिजायर्ड सेटिंग है वो हम कर चुके हैं। ये हैं, देखेंगे आप, इसमें टेम्परेचर है, नॉर्मली हम 121 रखते हैं, 121.5 डिग्री सेल्सियस होता है जो 15 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव में करते हैं। टाइम है वो 15 मिनट्स हमने रखा हुआ है। एजिटेशन है जो शेकिंग है वो 200 RPM है। तो इसमें हमारी सारी एसेसरीज हैं, इसको हमें स्टरलाइज करने के लिए है। टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली अचीव होता है। तो सारी की सारी जो कंडीशंस बैक्टीरिया को चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसमें 200 लीटर ईच है तो टोटल 600 लीटर हमारा जो बायोफर्टिलाइज़र है उसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे हम लैब में ऑटोक्लेव करते हैं, जो मीडिया है उसको स्टरलाइज करते हैं, तो हमारे जो वेसल्स हैं इनको स्टरलाइज करने के लिए ये इसके साथ बॉयलर लगा हुआ है। तो ये एज ए ऑटोक्लेव काम करता है, ये स्टीम जनरेट करेगा और वो स्टीम है वो सर्कुलेट होगी, उसके बाद हम इनोकुलम डालते हैं। तो ये एज ए ऑटोक्लेव इसके साथ जो हमारी एसेसरी है वो जुड़ी हुई है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो टेम्परेचर को डाउन लाने के लिए हमारे पास चिल्लर है। तो इसमें देखो ये पानी है, ये भी सर्कुलेट करता है। हमारे इन कल्चर्स को प्रॉपर एरेशन चाहिए और फिलिंग सीलिंग के टाइम भी हमें एरेशन चाहिए, तो ये काम करता है हमारा कंप्रेसर। आफ्टर 24 आवर्स हमारा जो बायोफर्टिलाइजर है वो तैयार हो गया है। इसको बॉटल्स में फिल करेंगे, फिलिंग करेंगे, सीलिंग करेंगे। तो अब हम इसको फिल करते हैं। आप देखेंगे ये मशीन अब चल पड़ी है और ये फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बॉटल्स लेबल होके आ गई हैं और ये रेडी है। इसको अब हम इसको पैकिंग में डाल देंगे। इसके ऊपर हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस कितना इसकी मात्रा है, जैसे 1 लीटर है, इसके कॉस्ट कितनी है, इसका बैच नंबर कितना है और इसकी उत्पादन या प्रोडक्शन डेट कितनी है, वो हमने सारी यहाँ पे लेबल की हुई है। सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इसको कैसे यूज़ करना है और कितने दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा बायोफर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है किसानों के खेतों में यूज़ होने के लिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार इस जीवाणु खाद का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रहा है, जो हमारे किसानों को जहर मुक्त एवं प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करता है। इस जीवाणु खाद की लोकप्रियता एवं मांग को देखते हुए इसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है, जिससे हमारा किसान है उसकी लागत बहुत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का एक मुख्य उद्देश्य है।